देख लीजिए, दिस इज़ हाउ द कॉपी शूज विल लुक लाइक। एक बार आप देख लीजिए द डेमो दैट आई एम शोइंग यू। सो दिस इज़ द क्लोजअप व्यू ऑफ द शू। सो दिस डोंट एक्सपेक्ट दैट दिस इज़ अ परमानेंट यू नो कलरिंग ऑफ द शू। ओके, दिस इज़ अ कलरिंग विच दे हैव अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ दिस white color sole. Okay, so you have to be careful that you know you don't put hard detergents on this to wash it. Okay, so you have to be careful. So this is how the copy shoe will look like. Okay, so though they have made a embossed logo to wo logo alag se dikhne ke liye usme alag se un logo ne paint प्रिंट किए हैं, ठीक है। सो उसके बाद ये जो ये जगह आप देखिए, इट इज़ ऑल क्लीन एंड यू नो प्रॉपर सील्ड। ओके, इट्स क्या बोलते हैं उसको, इट्स ऑल डन इन मोल्डिंग। ओके, दिस इज़ अ हाउ इट विल लुक लाइक, द कॉपी शूज विल लुक लाइक, एंड ये सब प्रिंट है, ठीक है। तो ये सब प्रिंट में क्या होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू वॉश। ओके, यू शुड नॉट पुट हार्ड डिटर्जेंट ऑन दिस। ओके, ये भी जो डिज़ाइन आपको ऊपर दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो प्रिंट। ओके, सो प्रिंट, वेन इट इज़ प्रिंट यू टू मेक श्योर दैट इट इज़ व्हाट यू कैन से, यू शुड नॉट एक्चुअली यू नो पुट हैवी डिटर्जेंट, बिकॉज दिस प्रिंट इज काइंड ऑफ इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ दिस शू लेयर। इट दिस प्रिंट इज़ ऑन टॉप ऑफ दिस शू लेयर इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली। आप गौर से देखेंगे, आप अच्छी तरह देखेंगे तो ये जो लेयर है इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ दिस। सो जब आप धोते हैं तो इसको ज़्यादा करोचना नहीं, ब्रश व्रश कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ एक सॉफ्ट क्लॉथ से आपको साफ़ करना है, सॉफ्ट वेट क्लॉथ से आपको साफ़ करना है। डिटर्जेंट सब यूज़ नहीं करना है ज़्यादा। अगर आप डिटर्जेंट यूज़ करेंगे तो पेंट के ऊपर लगेगा और पेंट उस डिटर्जेंट के वजह से वो पेंट निकलना चालू होगा, ठीक है। ये सब नहीं करना है कॉपी वाला शूज़ में, ठीक है। लेकिन इन मास्टर कॉपी यू विल नॉट हैव ऑल दिस प्रॉब्लम्स। इन मास्टर कॉपी जो जो प्रिंट है इट विल बी जो बोलते हैं ना सब्लिमेशन प्रिंट है, सो इट विल गो इनसाइड दिस लेयर, इट विल गो इनसाइड दिस। जो ऊपर का जो लेयर रहता है ना, मेश बोलते हैं इसको, मेश के साथ ही वो प्रिंट एक्चुअली क्या होता है, एक होता है, हो जाता है। लेकिन कॉपी शूज में क्या होता है, प्रिंट मेश के ऊपर रहता है, ठीक है, मेश के ऊपर रहता है। तो धोते समय यू टू बी केयरफुल, अदरवाइज द क्वालिटी ऑफ दिस शू इज़ गुड। ओके, अंदर का जो क्वालिटी देखेंगे, और ये देखो अंदर का क्वालिटी, ये सब देखेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। एंड शूज यू नो विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस दैट यू पे फॉर इट इज़ गुड। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस दैट यू नो यू पे फॉर द मटीरियल इट इज़ गुड। ओके, लेस का क्वालिटी, उसके बाद ये देखो लेस का क्वालिटी, ठीक है, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द लेस। ओके, एंड लोगो ब्रांडिंग ये सब इसमें प्रॉपरली रहेगा, कॉपी शूज में ब्रांडिंग ये सब रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द कॉपी शूज विल बी।